2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक शख्स बिना चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में बीजेपी का बड़ा स्टार प्रचारक था, लेकिन यूपी के नतीजों ने उसके इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसके बाद उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। ये शख्स है योगी आदित्यनाथ। आज कहानी के किरदार भी वही है। आदित्यनाथ लोकसभा बात 1994 की है। गोरखपुर के मेन मार्केट में कुछ छात्रों की एक दुकानदार से बहस हो गई। दुकानदार ने रिवॉल्वर तान दी, खूब हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस दुकानदार पर कार्रवाई ना कर छात्रों को पकड़ने के लिए हॉस्टल पहुंच गई। अगले ही दिन सैकड़ों छात्रों ने एक युवा सन्यासी की अगुवाई में जबरदस्त प्रदर्शन किया। दुकानदार को फौरन अरेस्ट करने की मांग करते हुए सन्यासी SSP आवास की दीवार पर चढ़ गया। ये युवा था योगी आदित्यनाथ। योगी की कहानी में मुसीबत में ना घबराने के कई ऐसे किस्से हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे नई मुसीबत से निपट पाएंगे? मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। नहीं ऐसा कुछ। योगी आदित्यनाथ की कहानी में क्या लखनऊ की लड़ाई का हल दिल्ली से निकलेगा? क्या योगी के सियासी भविष्य का फैसला संघ के दखल से होगा? और क्या योगी आदित्यनाथ को बदले जाने की बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, या ना करते हुए भी पार्टी के अंदर कोई मंथन चल रहा है? आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय है उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। CM बदलने की क्या चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं ऐसा कुछ। क्या होगा ये कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन प्याले में तूफान ने दस्तक जरूर दे दी है। वैसे ये भी सच है कि जब जब मुश्किल आई योगी ने उसे मात दी है। वो जब थर्ड ईयर कॉलेज में थे तो एग्जाम के चंद रोज पहले उनके कमरे में चोरी हुई, जिसमें सारे नोट्स चले गए, लेकिन योगी इम्तिहान में पास हुए। योगी ने सन्यासी धर्म अपनाया तो माँ के सामने भिक्षा मांगने पहुँच गए। माँ की घर लौटने की भावुक अपील को उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से ठुकरा दिया और सन्यासी मार्ग पर चल पड़े। हम आदित्यनाथ लोकसभा 26 साल की उम्र में सांसदी का चुनाव जीतकर राजनीतिक विरोध की पहली जंग जीती। ১৯৯৯ में महाराजगंज के दो पक्षों की गोलीबारी में फंसे, FIR भी हुई, लेकिन मुश्किल से निकल आए। 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तो मुलायम सिंह सरकार ने 11 दिन योगी को जेल में रखा। उन्होंने जेल में ही मंदिर बना दिया। ये अलग बात है कि जब संसद पहुंचे तो युवा योगी की आंखें छलक उठी। दो
2008 में कथित तौर पर मुख्तार अंसारी गैंग ने हमला किया, काफिले पर बम फेंके गए, तब भी योगी बच निकले। रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैट गीली हो गई थी। योगी आदित्यनाथ की कहानी में कई ऐसे किस्से हैं जहां वो मुसीबतों से जूझे और उनसे पार पाया, लेकिन उनकी सियासी कहानी में पहली बार ऐसा पल आया है जहां उनकी कहानी कब कौन सा मोड़ ले ले राजनीतिक पंडितों के लिए कहना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ की कहानी में अभी उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त, और ये मुश्किल वक्त इसलिए क्योंकि ना तो संगठन उनके साथ खड़ा है और ना ही दोनों डिप्टी सीएम, अलबत्ता ये उनके विरोध में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी संगठन में हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसे में उनके समर्थकों की फौज भी पार्टी के भीतर खड़ी नहीं हुई। ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और गवर्नेंस के उनके मॉडल ने लोगों के बीच में उनका एक बड़ा जनाधार खड़ा कर दिया है। मैं आदित्यनाथ योगी, दरअसल 2017 में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को अचानक सीएम घोषित किया गया था, तब सीएम पद के बड़े दावेदार केशव प्रसाद मौर्य थे। वो पार्टी का ओबीसी चेहरा थे, संघ के करीबी थे। उनके संघर्ष की कहानी को भी मोदी के संघर्ष की कहानी की तरह पेश किया जा रहा था, लेकिन बाजी हाथ लगी योगी आदित्यनाथ की और यहीं से अदावत का बीज पड़ गया। योगी आदित्यनाथ ने पहले 5 साल में अपने अंदाज में जिस तरह सरकार चलाई और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ विकास का अपना मॉडल विकसित किया, उसने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया। इससे हुआ ये कि जनसभाओं में मोदी के साथ योगी के नारे लगने लगे। कुछ कार्यकर्ता मोदी के बाद योगी को पीएम पद का उम्मीदवार बताने लगे। जाहिर है योगी के कुछ विरोधियों को यह अच्छा नहीं लगा। आलाकमान से योगी के मतभेद की खबरों के बीच ऐसी तस्वीरें आईं ताकि अफवाहों को शांत किया जा सके। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने शानदार जीत दर्ज की और फिर मुख्यमंत्री बने। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट हार गए, लेकिन नया मंत्रिमंडल बना तो लगा यही कि योगी की नहीं चली, क्योंकि हारने के बावजूद केशव प्रसाद डिप्टी सीएम ही रहे। योगी के विरोधी माने जाने वाले बीएसपी से आए ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिए गए। योगी के पसंदीदा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम पद से हटा दिए गए। दूसरी तरफ भूपेंद्र चौधरी को भी योगी का विरोधी माना जाता है, जिन्हें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया। इन सब सियासी पैंतरेबाजी की वजह से ही 2024 के चुनाव के वक्त विपक्ष के कई बड़े नेता ये कहने से नहीं चूके कि बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लाई तो योगी को हटा दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि इस अफवाह ने यूपी की ठाकुर बिरादरी को भी बीजेपी के खिलाफ किया और ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी। एक ही शख्स है जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े दावों के पूरा होने में यूपी का बड़ा रोल था। यूपी में सीएम आदित्यनाथ बड़ा चेहरा थे, जो चुनाव न लड़ते हुए भी मोदी के साथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे। वो भी दावा कर रहे थे कि पार्टी 70 से 75 सीटें जीतेगी, लेकिन हुआ उल्टा और एक झटके में योगी के विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया कि योगी आदित्यनाथ हालात को नहीं भांप पाए। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तो इशारों में नाराजगी ऐसे जताते रहे कि नतीजों के बाद योगी की किसी कैबिनेट मीटिंग में गए ही नहीं। जाहिर है बीजेपी के भीतर का घमासान विपक्ष के लिए मौका था। मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं बात कहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है, तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का, ये खेल है मोदी जी का,
ये खेल है अमित शाह जी का, तो मोदी अमित शाह जो चाहेंगे वो केशव मौर्य और बाकी लोग करेंगे। तो आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने यही बात कही थी कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों के लिए कह दिया है, सौ लाओ सरकार बनाओ, मानसून आओ। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा आगे भी और भी कोई ऑफर? मानसून चल रहा है ना। योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली में है। राजनीति में कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लेकिन योगी की कहानी में यूपी की कुर्सी का रास्ता अभी दिल्ली से जाता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।